नमस्कार, टीवीटी न्यूज पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर कुमार मदन मोहन शिक्षा जगत की खबरों के साथ। आज दिनांक 13 जनवरी 2021। शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें शिक्षा जगत की। सीटेट ने जारी किए एडमिट कार्ड। इसी माह के अंत तक खुलेंगे 6 से 8 तक के स्कूल। जोर शोर से मनाया गया युवा दिवस। शिक्षकों के वेतन मद में जारी हुए 814 करोड़। शिक्षकों के लिए खुशखबरी, 24% डीए पर मुहर। 5 से लेकर 10 हजार तक वेतन में होगी बढ़ोतरी। 6,360 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होंगे हाईटेक। डीएलएड के आवेदन करता हुए 4,55,000। अब खबरें विस्तार से। खबर के बीच में आपको बता दें, टीवीटी न्यूज पोर्टल शिक्षकों की समेकित खबर लेकर आपके सामने लगातार उपस्थित होता रहेगा। हमसे जुड़े रहें। खबरें विस्तार से। सीटेट ने एडमिट कार्ड जारी किया। जी हां, सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जो शिक्षक बनने के लिए एक मील का पत्थर है। आगामी 31 जनवरी को यह परीक्षा होनी है और इसके लिए इससे जुड़े हुए कैंडिडेट CTET.NIC.IN पर लॉगिन करके अपने एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसी माह के अंत तक 6 से 8 तक के स्कूल भी खुल जाएंगे। 1 से लेकर के 8 तक के स्कूल बंद पड़े हैं, जिसके ताले खुलने का समय आ चुका है। शिक्षा विभाग से इसकी लगभग हरी झंडी मिल चुकी है कि इसी महीने के अंत तक विभिन्न विद्यालयों को खोल दिया जाएगा। शिक्षकों के वेतन मद में 814 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक जिनका वेतन कई महीनों से लंबित है, उनके लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है कि उनके वेतन के साथ साथ उनके एरियर का भी भुगतान हो जाएगा। शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। अन्य कर्मचारियों की तरह बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा 24% डीए, जिससे उनके वेतन में लगभग 3 से 5 हजार की वृद्धि होगी। साथ ही साथ अप्रैल में जो 15% वेतन बढ़ोतरी की बात है, उसमें भी 3 से 5 हजार बढ़ने के आसार हैं। इस तरीके कुल मिलाकर के 2021 में शिक्षकों के वेतन में 5 से 10 हजार तक की बढ़ोतरी होगी। ये शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 6,360 विद्यालयों को टारगेट किया जा रहा है, जिसे हाईटेक बनाया जाएगा और यहां अत्याधुनिक सुविधाएं सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाएगी। डीएलएड शिक्षक प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाने थे, जिसमें 4,55,000 अभ्यर्थियों ने अपने अपने आवेदन दिए। इस डाटा से यह पता चलता है कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए जोर शोर से यहाँ की जनता लगी हुई है। इन्हीं खबरों के साथ आज के इस समाचार को हम विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे आपके टीवीटी न्यूज पोर्टल में। तब तक के लिए नमस्कार।